हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाए फिजिक्स से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है ये भी आपको आज हम बताएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं डिस्टेंस का। देखिए, डिस्टेंस एक जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब ये होता है कि उसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन वो डायरेक्शन पे नहीं चलता, किसी वो डायरेक्शन को शो नहीं करता। तो डिस्टेंस क्या करता है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो ये शो कर रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है ये नहीं बता रहा है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो दोनों में बेसिक अंतर यह है कि ये जो है डिस्टेंस जो होता है मैग्नीट्यूड तो बताता है लेकिन जो है वो डायरेक्शन को शो नहीं करता है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी शो करता है। और जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या है। सपोज करिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका समझ करिए कि बी है, और ये तमाम रास्ते हैं यहाँ पर आने के। एक रास्ता ए भी है, इस तरह से ये मुड़ करके यहाँ पर आ रहा है। एक रास्ता ऐसे भी है, एक रास्ता सपोज करिए कि इधर से भी आया है। तीनों रास्ते इसी जगह पर गए हैं। तो एक रास्ता ये हुआ आपका, एक रास्ता ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और ये सब 4। ठीक है, तो अगर हम ए से बी तक अगर इन रास्तों से गए तो उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। पहला, दूसरा और चौथा को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो तो शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा? आप खुद बताइए ना कि इस चारों रास्ते में कौन सा जो है सबसे छोटा रास्ता है। बट क्लियर है कि आपका नंबर 3 जो है सबसे छोटा रास्ता है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो है जो सबसे छोटा रास्ता होता है।